अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अरीबा अब्दुल्ला। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग खैर वाफियत से होंगे। तो आज मैं गई हूँ दुबई मॉल, और ये दुबई मॉल का अंदर का रास्ता है, यानी कि ये ब्रिज है दुबई मॉल के अंदर, ये ब्रिज है, ठीक है। ये ब्रिज के बाहर ये सारा जो है नज़ारा आप लोगों को दिख रहा होगा जी। ये ब्रिज है, और ब्रिज भी पता है कैसा है कि दुबई मॉल के अंदर है। हमारे यहाँ पे ब्रिज कैसा होता है आप लोगों को मालूम है। यहाँ पे माशाल्लाह से इतना अच्छा बना हुआ है, इतना अच्छा बना हुआ है कि हमने ये वाली जगह कभी देखी ही नहीं थी। मतलब मॉल के जो अंदर साइड पे जो ब्रिज है हमने देखा ही नहीं था, और ये इतना अच्छा बना हुआ है। यहाँ पर सारी चीज़ें, मतलब एक एक चीज़ें बहुत अच्छी बनी हुई, साइंस की, मतलब साइंस की मालूमात के उस पर बहुत सी चीज़ें बनी हुई थी, देख सकते हैं आप लोग। तो ये चीज़ें बनी हुई थी बहुत अच्छी अच्छी फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे तो अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे। मतलब इतनी, मतलब जिसको कहें हम, इतनी रोशनी और इतनी अफरा तफरी और बहुत ही अच्छा मतलब माहौल हुआ हुआ। तो हम लोग ने यहाँ पे थोड़ा सा स्टे भी किया क्योंकि हमें बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ देख कर के। मतलब इतनी रोशनियाँ हैं, ऊपर से यहाँ पे गाड़ी आई जाए कर रही हैं, और बड़ा अच्छा लग रहा था। तो फिर हम थोड़ा और आगे जाते हैं तो मॉल शुरू हो गया। मतलब काफ़ी चलने का था, कम से कम 15 मिनट तक का तो रास्ता था ही। इसके बाद फिर ये मॉल शुरू हुआ, और ये पूरा आप लोगों ने, तो मैं आप लोगों को दिखाया भी था दुबई मॉल का, तो बस यही है कि मैंने पूरा नहीं दिखाया। ये देखें, ये लाइटिंग हो रही है इसमें, फानूस में, ये भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। बाकी फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बस थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने कैप्चर इसलिए की हैं कि मैं आप लोगों को दिखा सकूं। तो पूरा दुबई मॉल तो मैं दिखा ही नहीं सकती, सवाल ही पता नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर इतना बड़ा है कि हम लोग एक रास्ते से दूसरा रास्ता भूल जाते हैं कि कहाँ पर है, निशानी रख कर जाना पड़ता है, मतलब इतना बड़ा है। अच्छा, ये यहाँ पर लकड़ी की है, यह है, इसका नाम है पिंचू, ऐसा कुछ नाम है, मुझे याद नहीं है क्योंकि मैंने फिल्म देखी नहीं, इसकी फिल्म भी बनी हुई है। लकड़ी के ऊपर है ये, और ये लकड़ी की, सारी लकड़ी की चीज़ें हैं इसमें। मतलब टॉयज ले लें हम यहाँ पर, अगर आपको नाम लिखवाना है वो भी लकड़ी के ऊपर लिखते हैं, और हम लोग के पास क्लॉक जो होती हैं, घड़ियाँ होती हैं, ये सारी चीज़ें हैं, और बहुत ही छोटी छोटी बड़ी अच्छी सी चीज़ें हैं इनके पास, जो कि मुझे बहुत पसंद आई थी लेकिन ली नहीं थी क्योंकि बहुत कॉस्टली होती, मैंने पूछा भी नहीं। बस मैं तो खाली वीडियो बना रही थी बस, और कुछ भी नहीं। तो बस ये चीज़ें थी बहुत अच्छी अच्छी और अब इसके हम आगे जाते हैं। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊंगी बुर्ज खलीफा, और बुर्ज खलीफा के यहाँ पे बराबर में पानी है, वहाँ पर जो है वाटर शो होता है, जो कि ये भी बहुत अच्छा है क्योंकि मैं पहले भी आई थी, मैंने पहले ही एक दफ़ा देखा था। मैंने दुबई मॉल तो मैं आई हूँ 2-3 दफ़ा, लेकिन मैंने यहाँ पर जो वाटर शो है वो मैंने एक दफ़ा ही देखा है। मैंने फिर से यहाँ पर वाटर शो देखा और बड़ा मज़ा आया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे पहुँचने तक का तो टाइम ही नहीं बचता क्योंकि इतना घूम लेते हैं, तो यहाँ पर क्योंकि इतना बड़ा है नहीं घूमा जा सकता। और अभी शुरू होने का है, वैसे ये MR लिखा हुआ है, अरबी में आया, फिर इंग्लिश में आया, फिर उसके बाद चाइनीज में आया, क्योंकि अभी चाइनीज़ का न्यू ईयर चल रहा है ना, इस वजह से भी अब बस शुरू हो गया शो। देखिए
पर शो ख़त्म हो चुका है, कम अज़ कम 10-15 मिनट का होता है शो और मैंने ज़्यादा नहीं कैप्चर किया वरना आप लोग ही बोर हो जाते हैं। अच्छा, मैंने शुरू में आप लोगों से कहा कि मैंने दुबई मॉल दिखाया है, मुझे याद है मैंने आप लोगों को दुबई मॉल दिखाया ही नहीं है। यहाँ पर मैंने कुछ कुछ क्लिप्स इसलिए लिए हैं क्योंकि मैं पूरा दुबई मॉल अगर लेती ना तो आप लोग भी देख नहीं पाते और मैं वीडियो बना भी नहीं पाती, तो इससे बेहतर ये है कि थोड़ा सा कैप्चर किया जाए और कुछ कुछ चीज़ें जो अच्छी अच्छी लगती हैं वो आप लोगों से शेयर की जाएँ। तो बस थोड़ी देर में हम बस निकलने वाली करेंगे। ये दिखाएँ, मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर बेबी की गोल्ड शॉप है, मतलब बेबीज़ कि जो बिल्कुल छोटे छोटे से जो ब्रेसलेट्स होते हैं, इयररिंग्स होते हैं और पेंडेंट होते हैं, इनसे बहुत अच्छी चीज़ें थी, ये बहुत अच्छा लगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डे की तरफ, सम क्लिप्स ऑफ ग्लोबल विलेज। मैं ग्लोबल विलेज गई थी, आप लोगों को मैंने 2 दफ़ा दिखाया है। यहाँ पे ये ट्रेन है, ट्रेन चलती है पार्क करने के बाद, गाड़ी पार्क करने के बाद यहाँ पर ट्रेन चलती है और यहाँ पर हमें नहीं पता था ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो हमने कहा चलो यार बैठ जाते हैं, इसकी भी सैर करते हैं। तो यहाँ पर बैठे, चलना भी नहीं पड़ा और आराम से हम लोग जो है ना ग्लोबल विलेज के मंजिल तक पहुँच चुके। तो यहाँ पर हम लोग बैठने जा रहे हैं, हम लोग बैठ चुके हैं सब लोग और अब बस हम थोड़ी देर में पहुँचने वाला। और इतनी हवा और इतना ठंडा मौसम, बड़ा मज़ा आया बैठने में, मतलब बहुत अच्छी ट्रिप थी इसकी, एक पार्क से दूसरे पार्क तक। अच्छा, यहाँ पर ये शो हो रहा है ग्लोबल विलेज के अंदर, ये नाम नहीं पता, ये अब्रा नाम है इसका, अब्रा अब्रा वाटर के नाम से शायद ये, तो अब्रा ये अपना आग निकालता है, शो निकालता कह रही हूँ, अब्रा जो है अपनी आग निकालता है, ये शो दिखा रहा है अपने और बस करतब दिखा रहा है अपने। तो ये पानी है, पानी भी देखें ये रेड ग्रीन ब्लू हो रहा है, लाइटिंग हो रही है, करंट छोड़ा हुआ है ना इसमें, और यहाँ पे सारे रेस्टोरेंट्स भी हैं, मतलब कश्ती में बैठ के आप खा भी सकते हैं, हम कश्ती में बैठे हुए अभी। तो बस ये थोड़े से नज़ारे थे मैंने आप लोगों को से शेयर किए, बाकी कैसी लगी आप लोगों को वीडियो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगली वीडियो जो होगी वो होगी एक्सपो के ऊपर और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत एक्सपो दिखाऊंगी क्योंकि मैं ज़्यादा गई नहीं एक्सपो में, बस थोड़ी बहुत चीज़ें दिखाऊंगी वहाँ की बस। बाकी एक्सपो फिर से मैं जाने वाली हूँ, तो ये पार्ट 1 होगा एक्सपो का, फिर एक्सपो का पार्ट 2 मैं बाद में लेकर आऊँगी। और दुआ में याद रखिएगा, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।